हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा में। फ्रेंड्स, आज मैं कोई ब्लॉग लेकर के नहीं आई हूँ। आज बस आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ कि देखिए, हमारे गांव में जब नई फसल आती है तो किस तरह से करते हैं हम अपने गांव में देव पूजन, और उसके बाद ही जो है तो नई फसल का जो नया अन्न होता है उसको ग्रहण करते हैं। तो थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट की हुई है ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि किस तरह के रिवाज हैं हमारे गांव में, किस तरह की प्रथाएं हैं हमारे गांव में। तो बस यही लेकर के मैं आज आप लोगों के बीच में आई हूं। और सबसे पहले, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो मैं हूँ यहाँ पे अपने गांव के साइड में, मतलब कोई 100-200 मीटर की दूरी पर है गांव से, और यहाँ पे है हमारे इष्ट देवता का मंदिर, देख सकते हो। यहाँ पे हम आए हैं, जो ये दूसरी साइड में ये जेंट्स लोग हैं और पिछली साइड को लेते हैं। यहाँ पे आए हैं हम अपनी जो नई फसल है उसका चढ़ावा, मतलब पूजावा लेकर के, हमारी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, उसको पूजने आए हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे घर पे जो फसल आई है नई, जैसे कि मक्की की फसल आई है, तो मक्की की फसल थी तो उसके साथ में जो भी हमने अपने खेतों में बोया था, जैसे कि दाल हो गई जिसको हमारे पहाड़ी राजमा बोलते हैं, और ये मक्की, तो मक्की का आटा जो है तो हम थोड़ा थोड़ा करके घर से ले आए, सब जितने भी घर के लोग हैं गांव में, तो सब एक एक परिवार से, एक एक लेडीज़ और एक एक जेंट्स, सब लेकर के आए हैं। और मंदिर के बाहर जो है, तो मंदिर के प्रांगण के बाहर है, वहाँ पे हमने चूल्हा लगाया हुआ है, और यहाँ पर हम मक्की की रोटी बना रहे हैं। दूसरी साइड बगल में थे जेंट्स लोग, वो बना रहे थे दाल, और बस इसी तरह से बनाते हैं। सब आ जाते हैं दिन के टाइम को, सारी लेडीज़ें सब मिलजुल कर इकट्ठा होके यहाँ पे, ये देखिए ये जेंट्स लोग है, ये बना रहे थे दाल, और हम जो लेडीज़ें थी तो हम बना रही थी मक्की की रोटी, और इस तरह से बना रहे थे फ्रेंड्स। और इसके बाद जो है, तो बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जो होता है तो सबसे पहले भगवान को चढ़ावा लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है तो हम पांच पांडव की पूजा करते हैं, और हमारे जो यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं ये है बाड़ी धार में, तो बाड़ी धार का जितना भी इलाका है तो यहाँ पे सब लोग ऐसे ही करते हैं। जब कोई भी फसल आती है, गेहूं की है या मक्की की है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे सबसे पहले मंदिर में भोग लगाते हैं, और उसके बाद हम अपने घर पे जो है तो जो अन्न है उसको ग्रहण करते हैं, उसको खाते हैं। पहले, सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। तो हम आ गए थे, बस सब ने जो है तो मिलजुल करके ये रोटियां यहाँ पे बनाई, और कितना अच्छा लगता है ना फ्रेंड, जब सब लोग गांव के मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, कोई गिला शिकवा नहीं, बस सब प्यार से रहते हैं। तो हमारे तो यहाँ पे सब ऐसा ही करते हैं। और शाम का टाइम था, धूप देखो बस जाने ही वाली थी, सामने का नज़ारा था तो किस इस तरह का दिख रहा था, बस धूप जाने ही वाली थी। और ये जो पेड़ों के बीच में दिख रहा है ना सामने पहाड़ी में, ये दाला घाट की अंबुजा फैक्ट्री है, यहाँ पे अंबुजा सीमेंट बनता है, जो हमारे यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तो इस तरह से हम बना रहे थे रोटियाँ, आइए मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। ये देखिए, सारी लेडीज़ें गाँव की सब इकट्ठी होकर के, मिलजुल करके एक बड़े से तवे पे, और जो है तो रोटी बना रहे हैं मक्की की, कोई आटा गूंद रहा है, कोई रोटी बना रहा है, तो कोई रोटियां सेक रहा है, और ये छोटे बच्चे भी थे साथ में, ये गांव के ही है।
तो इस तरह से करते हैं फ्रेंड्स। जब ये रोटियां बनके तैयार हो जाती है तो यहां से जो हमारे पांच पांडव है वहां के लिए सबसे पहले रोटियां जाती है। जब वहां पे ये रोटी और ये दाल जब वहां पहुंच जाती है तो उसके बाद जहां पे हम रोटियां बना रहे हैं वहां पे हम देव पूजा करते हैं और उसके बाद हम सब जो है तो जो नई फसल का जो प्रसाद के रूप में जो भी पका है यहाँ पे उसको ग्रहण करते हैं और उसके बाद जो है तो प्रसाद के रूप में ही अपने घर को भी ले जाते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये देव प्रथा हमारे गांव में जो, मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स कमेंट करके। ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ मैं अपने गाँव की, अपने बारे में, अपने आसपास की आप सब लोगों को दिखाती रहूँगी। और अब दिखाती हूँ मन, ये है पत्थर की मूर्तियाँ, ये देखिए ये पांच पांडवों की मूर्तियाँ हैं फ्रेंड्स, ये पत्थर की बनी हुई है और इनकी जो है तो हम पूजा करते हैं, हम इन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। और यहाँ पे जो बाड़ीधार है वहाँ पे जो है तो जून माह में मेला होता है, बहुत ही फेमस है, जाऊंगी कभी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे जो भी आता है उसकी मुराद जो है तो पूरी होती है और हम तो बस इन्हीं की पूजा करते हैं। ये हमारे गांव के इष्ट देवता है, ग्राम देवता है। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है तो रोटियाँ बना के हम हो गए थे फ्री, तो आग सेक रहे थे, जैसे कि सर्दी का मौसम है तो आग सेक रहे थे। और ये दूसरी साइड ये कर रहे थे पूजा, बस पूजा करने का जो है तो हम वेट कर रहे थे, उसके बाद जो है तो हम वो जो बनाया है प्रसाद उसको ग्रहण करेंगे। और शाम का टाइम था, करीब करीब 5:30 हो चुके थे। और ये क्लिप है मेरे पास शुक्रवार की। और बस तो देखिए जो है पूजा हो चुकी थी, उसके बाद इस तरह से लोग सब बैठ जाते हैं इकट्ठा मिलजुल के, सब एक साथ बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है जो जो भी हमने बनाया होता है उसको हम ग्रहण करते हैं इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स मक्की की रोटी और दाल, ये बनता है प्रसाद के रूप में, क्योंकि ये भी जो है तो हमारे खेत में उगा हुआ था। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर।